नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय हो अकेडमी में। आज 1 सितंबर है और जैसा कि हमारे द्वारा बोला गया था कि हमारे चैनल पर 1 सितंबर से MPSC मेंस टारगेटेड वीडियो सीरीज स्टार्ट होगी। उसी सीरीज का यह पहला वीडियो है। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत मेरे द्वारा और आकाश सर द्वारा अगले 3 महीनों में, यानी सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, इन 3 महीनों में MPPSC मेंस के सभी 6 पेपर की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। आपका MPPSC 2019 का नोटिफिकेशन जैसे ही आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा, उसके तुरंत बाद हमारे चैनल पर MPPSC 2019 प्री को लेकर भी वीडियो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। यानी हमारे चैनल के माध्यम से MPPSC 2019 के प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जो भी नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब आते हैं आज के वीडियो पर। जैसा कि आपको बताया गया था कि मेंस वीडियो सीरीज विश्व इतिहास से स्टार्ट होगी। विश्व इतिहास को लेकर यह पार्ट 1 है, जिसमें हम मेंस में इसके सिलेबस और बाकी अभी जो पुराने मेंस आपके हुए हैं 2014 से लेकर 2018 तक, उसमें क्या क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए हैं और क्या स्ट्रेटजी लेकर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इतिहास क्या है, क्योंकि आप वर्ल्ड इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको इतिहास की परिभाषा पता होना चाहिए। इतिहास जो कि इति प्लस हास दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें इति का अर्थ होता है ऐसा और हास का अर्थ होता है हुआ। अगर इन दोनों को मिलाकर देखें तो इसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ। अगर इसको और अलग शब्दों में परिभाषित करें तो इसका अर्थ होता है कि वर्तमान के संदर्भ में, यानी कि वर्तमान में आपकी जो भी देखने को मिलती है संस्कृति, सभ्यता, जो भी सामाजिक परंपराएं और संस्कार हैं, उसके संदर्भ में अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। अतीत यानी भूतकाल का अध्ययन ही इतिहास है। आपको बता दें कि विश्व इतिहास से तात्पर्य यूरोप के इतिहास से है, क्योंकि पुनर्जागरण के समय, आपको बता दें कि जो विश्व इतिहास का प्रारंभ माना जाता है वो पुनर्जागरण से माना जाता है। तो पुनर्जागरण के समय समस्त यूरोप ही एक विश्व था, क्योंकि उस समय शेष विश्व की खोज नहीं हुई थी। क्योंकि पुनर्जागरण के बाद जब लोगों को बौद्धिक ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी लोगों ने भौगोलिक खोजें की और अन्य विश्व का पता लगाया। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो हमारा सिलेबस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसके अंतर्गत हम केवल यूरोप के ही इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो यूरोप के इतिहास में ही समाहित है। अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। आपको बता दें कि आपका जो प्रीलिम्स परीक्षा है प्री, उसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो केवल आपके मुख्य परीक्षा का ही भाग है। तो आपका जो पेपर 1 है उसका जो पार्ट 1 है, क्योंकि आपके जो शुरू के तीन पेपर होते हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड हैं। तो पेपर 1 के पार्ट 1 में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में आपके निम्न टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला है पुनर्जागरण, दूसरा है इंग्लैंड की क्रांति, अगला है औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो आपके 7 टॉपिक हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत, और इन 7 टॉपिक्स को लेकर हमारे चैनल पर 7 अलग अलग प्रत्येक टॉपिक को लेकर एक वीडियो लाएगा। तो टोटल 7 वीडियो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स पर हमारे चैनल पर आने वाले हैं। इन 7 वीडियो में आपकी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी हमारे चैनल द्वारा करा दी जाएगी, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये तो बात की सिलेबस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि 2014 मुख्य परीक्षा से 2018 मुख्य परीक्षा में विश्व इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। आपको बता दें कि MPPSC का जो वर्तमान में सिलेबस है वो 2014 में चेंज हो गया था,
उसके बाद ही मुख्य परीक्षा में 6 पेपर शामिल किए गए। उसके पहले जो मुख्य परीक्षा का आपका सिलेबस था उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहता था, जिसको 2014 में चेंज किया गया, जो अभी तक वर्तमान में चल रहा है। अगर बात करें कि 2014 के मुख्य परीक्षा में विश्व इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कि आपके जो मेंस में पेपर आता है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 3 नंबर वाले, 6 नंबर वाले और 15 नंबर वाले। तो अगर बात करें कि 2014 में वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 नंबर में क्या क्या पूछा गया, तो इसमें 3 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था रूसो और दूसरा था तुष्टिकरण की नीति। पहला रूसो और दूसरा था तुष्टिकरण की नीति। इन सबको हम अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो आप अभी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हमारे द्वारा जो वीडियो लाए जाएंगे उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। अगर बात करें 6 नंबर वाले क्वेश्चन की 2014 मेंस में, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि पहला है यूरोप में हुए पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण बताइए, और जो सेकंड है वो है फ्रांस की क्रांति के प्रमुख सामाजिक कारण बताइए। तो 2 क्वेश्चन 6 मार्कर में और 2 क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 15 नंबर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो एक क्वेश्चन 15 नंबर से भी पूछा गया है। तो टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो कुल 33 मार्क्स की आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी गई है। जो आपका पेपर वन का पार्ट वन है वो 150 नंबर का होता है। 150 में 33 मार्क्स का आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा गया, लगभग 20%। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का कितना वेटेज है आपकी मुख्य परीक्षा में। ये तो बात थी 2014 मेंस की। अब बात करते हैं 2015 में। तो 2015 में भी 3 मार्कर में 2 क्वेश्चन आए हैं। पहला था इरास्मस और दूसरा था बास्तील। इनके बारे में हम अपने वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप बेफिक्र रहें, आपको हमारे वीडियो में सारा कुछ कवर करवा दिया जाएगा। बात करें 6 मार्क्स की, तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया, जबकि 2014 में 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। इसमें क्वेश्चन था राष्ट्रसंघ की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। इसमें एक ही क्वेश्चन था कि राष्ट्रसंघ की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। अगर बात करें 15 नंबर में, तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 27, 2014 की अपेक्षा से थोड़ा इसका, क्योंकि 6 मार्क्स इसमें कम आया, इसलिए इसमें थोड़ा कम मार्क्स का पूछा गया वर्ल्ड हिस्ट्री। अब बात करते हैं 2016 में वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या वेटेज रहा है। तो 3 मार्कर में इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन थे लियोनार्डो दा विंची, सामाजिक संपदा, जो कि रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं, और लास्ट है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और 6 मार्कर में इससे एक ही क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, 2 में से आपको कोई एक करना था। तो इसमें था पुनर्जागरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में था कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो से एक ही क्वेश्चन था, लेकिन आपको चॉइस थी इसमें। 15 नंबर में भी आपको चॉइस दी गई थी, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना था। क्वेश्चन था कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में था कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारणों का परीक्षण कीजिए। अगर टोटल मार्क्स की बात करें 2016 में वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो 30 मार्क्स की वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी पूछी गई 2016 मेंस में। लगभग 30 तो पूछी ही जाती है, तो मतलब 20% तो आप समझिए। अगर बात करें 2017 में वर्ल्ड हिस्ट्री से जो 3 मार्कर में क्वेश्चन आए, तो वो 2 क्वेश्चन थे, एक राफेल और मॉन्टेस्क्यू। और अगर बात करें 6 मार्क्स में, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहला था कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ, कारणों की विवेचना कीजिए। जो सेकंड था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए।
दो क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे गए 2017 में। 15 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया कि रूसी क्रांति जो कि 1917 में हुई थी के कारण का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगर टोटल मार्क्स की बात करें 2017 मेंस में विश्व इतिहास के क्वेश्चन को लेकर तो 33। अब बात करते हैं 2018 में जो हाल ही में जुलाई में संपन्न हुआ है। 2018 मुख्य परीक्षा में बैलिस्टिक का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि इसमें 3 मार्कर में लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 18 नंबर के 3 मार्कर्स में पूछे गए हैं। इसमें पहला था जैकोबिन इरास्मस, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2015 में भी इसको पूछा गया था। ईमले जार एलेक्जेंडर द्वितीय, थॉमस ब्रासी और न्यूलू की संधि। तो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 मार्क्स में जो कि अभी तक का सर्वश्रेष्ठ है। इतने क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं 5 मार्क्स जो हो चुके हैं आपके सिलेबस चेंज होने के बाद। अगर 6 मार्क की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है यूरोपीय पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो जो कि एक चित्रकार थे बहुत ही फेमस के योगदानों को रेखांकित कीजिए। और सेकंड था 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों को उजागर, ये भी शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं पुराने पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं तो आपको एग्ज़ाम का नेचर पता चल जाता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इसलिए कहा जाता है टॉपर्स, और कई लोग कहते हैं अगर आप सीनियर लोगों से बात करें तो एक सजेशन जरूर देते हैं कि आपको ओल्ड पेपर ज़रूर सॉल्व करने चाहिए क्योंकि जब आप ओल्ड पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको परीक्षा का नेचर पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस वे में आपको तैयारी करनी है। इसलिए मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि बैलिस्टी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको आगे तैयारी करनी है। तो और जो हमारे 7 वीडियो आएंगे उसमें हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। अगर बात करें 15 मार्क्स की तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपको चॉइस दी गई थी, एक दो में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना था। इसमें क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक और आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। इसमें जो आपकी चॉइस थी 1919 की संधि की खामियां द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहां तक उत्तरदायी थी। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, इसमें आपको कोई एक करना। 2018 में बैलिस्टिक का जो वेटेज रहा है वो अभी तक का सर्वश्रेष्ठ, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 45 नंबर के क्वेश्चन जो अभी तक किसी भी मुख्य परीक्षा में नहीं पूछे गए। तो देख सकते हैं आप लगभग 1/3 वैलिस्टी का वेटेज आपके पेपर 1 के फर्स्ट पार्ट में रहा है। तो वैलिस्टी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हमारे द्वारा मेंस वीडियो सीरीज के अंतर्गत सबसे पहले वैलिस्टी को लाया गया है ताकि आपको अच्छे से वैलिस्टी कवर कराई जा सके। आपको हमारे वीडियोस के अलावा अगर कुछ महत्वपूर्ण बुक्स पढ़नी हो तो हमारे पुराने वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हमने 4 वीडियो में मेंस बुक लिस्ट के बारे में बताया। जो बैलिस्टिक को लेकर हमारे 8 वीडियो आएंगे हम उन 8 वीडियो में पूरा विश्व इतिहास कवर करेंगे। इसके बाद हमारे चैनल पर पेपर 5 यानी हिंदी को लेकर वीडियो सीरीज लाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि अगर कोई ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो कि बाहर कोचिंग करने में असमर्थ हैं ताकि उनके पास हमारा ये वीडियो पहुंच सके और वो भी सिविल सर्विस में आकर अपने देश और समाज की सेवा कर सकें। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें क्योंकि हमारा चैनल नया है और हम दिन प्रतिदिन मेहनत करके इस चैनल को आगे ले जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जय हिंद।